हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे टॉप 5 मोस्ट फेवरेट फेस मॉइस्चराइजर, जिसमें से कुछ अफोर्डेबल हैं और कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुकी हैं और जैसे जैसे विंटर्स आते जाते हैं हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, सुपर ड्राई होने लगती है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आप मेरे मोस्ट फेवरेट फेस मॉइस्चराइजर। तो जो मेरा फर्स्ट फेस मॉइस्चराइजर है वो है ये निविया का ऑल इन वन। यस, इसे ऑल इन वन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे एज अ फेस मॉइस्चराइजर और एज अ बॉडी बटर दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम लाइट सी है, बहुत ही इजीली हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और बहुत ही माइल्ड सी इसकी फ्रेग्रेंस है। और इसे मैं काफ़ी टाइम से अपने बचपन से इसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, सबको यूज़ करते हुए देखा है। सबसे ज़्यादा भरोसा मैं स्क्रीन पर करती हूँ। और इसकी जो प्राइस है, इसका प्राइस 280 रुपीज़ फॉर 140 ml है। ये आपको इजीली किसी भी स्टोर पर और या फिर किसी भी नायका की वेबसाइट पर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट फेस मॉइस्चराइजर है और मोस्ट फेवरेट है। मेरा सेकंड फेस मॉइस्चराइजर है वो है ये फॉरेस्ट एसेंशियल का तेजस्विनी इमल्जन। और फॉरेस्ट एसेंशियल इस बहुत ही बेस्ट ब्रांड है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। बट अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट एसेंशियल एक आयुर्वेदिक ब्रांड है और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी वो 100% आयुर्वेदिक होते हैं। और आप देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट ओवर। और इसकी जो ये एक आपको रात में अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो और आपके पास टाइम नहीं है अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई करने का, कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का, तो आपको सिर्फ इसे लेना है बहुत ही पी साइज में। आपको थोड़ा सा इसे अपने फेस पे एज अ डॉट किसी क्वांटिटी लेके आपको इसे लगाना है और बहुत ही आपकी स्किन सुबह बिल्कुल बेबी सॉफ्ट, लाइक बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। और इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी लाइक उपटन और ऑयल जैसी इसकी स्मेल है। मे बी जिन लोगों को स्मेल से थोड़ी सी एलर्जी हो उन्हें ये प्रोडक्ट से थोड़ा सा सूट ना करे। मे बी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है और मैं इसे कभी कभी यूज़ करती हूँ तो मुझे कभी भी इससे कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका जो प्राइस है वो है 1825 रुपीज़ और जो इसकी क्वांटिटी है वो है 225 ग्राम। मैं जो नेक्स्ट है वो है ये एसेंशियल की चार्मीज। ये बहुत ही बेबी पिंक कलर की पैकेजिंग में है और इसका बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका प्राइस 199 रुपीज़ है और आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, आप ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्श तो नहीं है लेकिन बहुत माइल्ड भी नहीं है। और इसकी टेक्सचर और कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही ऑयली और ग्रीसी टाइप है, इजीली ये स्किन में ऑब्जॉर्व नहीं हो रही है। तो मुझे ये बहुत, फ्रेंकली मुझे बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट की मैं फ़ैन नहीं हूँ, मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल है। सो जो उसके बाद नेक्स्ट है वो है ये फेस शॉप की वाइट सीड मॉइस्चराइजर क्रीम। ये 50 ml का प्रोडक्ट है एंड 2300 रुपीज़ इसकी क्वांटिटी है। फेस शॉप एक कोरियन ब्रांड है और जिसकी पैकेजिंग है वो जार पैकेजिंग है। उसके अलावा इसमें जो मॉइस्चराइजर क्रीम है वो बहुत ईजिली आपकी स्किन में सॉफ्टली ऑब्जॉर्व हो जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने स्किन पर कुछ बहुत ही हैवी सा कुछ लगाया हुआ है, बहुत ही लाइट और सॉफ्ट है। तो अगर आप चाहते हो, आपकी स्किन ऑयली है मे बी, और आप चाहते हो कि विंटर में आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर ट्राई करना चाहते हो जिससे आपको ऑयलीनेस ना हो, ग्रीसनेस ना फील हो, तो आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनकी, स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये जोवीज का एलोवेरा मॉइस्चराइजर। ये बॉटल फॉर्म में है और ये पम्प काइंड ऑफ पम्प जैसी इसकी जो पैकेजिंग है, ये भी बहुत ही इजीली लाइट वेट आपके स्किन में बहुत ही स्मूथली ऑब्जॉर्व हो जाता है। और इसका जो प्राइस है ये भी बहुत ज़्यादा सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। इसका प्राइस 199 200 रुपीज़ है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ml है। उसके अलावा ऑयली स्किन नीड्स प्रॉपर क्लीनिंग एंड हाइड्रेशन स्पेशली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट फॉर, ये बेसिकली ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन के लिए है। और द फेस, आपको बेसिकली अपनी स्किन पे क्लिंजिंग टोनिंग करना है उसके बाद इसे अप्लाई करना है। सो ये मेरे टॉप 5 मॉइस्चराइजर थे। आई होप आप लोगों को थोड़े भी हेल्पफुल हो। तो आप इन्हें परचेज करना चाहो तो मैं आपको इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय।